नमस्कार आप सभी को। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस भिंडी डुबकी कढ़ी। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम यूनिक रेसिपी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में खटाई खाने का मन होता है, तो इस तरह से आप कढ़ी भिंडी डुबकी बनाइए। तो ये एक पाव से कुछ ज़्यादा ये ताजी भिंडी है, इसको मैं अच्छी तरीके से साफ धो ली हूँ। और पूरी रेसिपी के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए इस तरह से तोड़ के देखी हूँ, जो भिंडी ज़्यादा कड़ी है उसको मैं बाहर निकाल दी हूँ। जिसका नोक आसानी से टूट जाता है इसका मतलब है कि वो भिंडी एकदम ताज़ी है। तो इस तरह से एक से दो पानी में मैं साफ धोकर अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। अब देखिए इस भिंडी को बनाने के लिए, डुबकी कढ़ी भिंडी को बनाने के लिए हमने इस तरह भिंडी को धोकर साफ काट लिए हैं। और एक कटोरी दही है और आधा कटोरी बेसन है, और इसमें एक चम्मच तेल है, धनिया पत्ती है, हल्दी है, चुटकी भर नमक है और लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमेशा हमारे वीडियो को देख सकें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अभी तेल दिखाई हूँ, एक चम्मच है ये भिंडी कटी हुई इस तरह से, और ये एक कटोरी दही है, खट्टी दही है, आप खट्टा मीठा जिस तरह से भी खाते हैं। और ये आधी कटोरी बेसन है, और उसमें मैं एक चम्मच तेल को मिला दूंगी। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी मिलेगी और आप ज़रूर इसको खाना पसंद करेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं वो लोग भी इसको ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो लोग रायपुर साइड के हैं बस वही लोग इसको बनाते हैं। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी और यूनिक है, ये अच्छी लगती है। तो जिस तरह हम उड़द दाल की हम डुबकी कढ़ी बनाते हैं, उसी तरह ये बेसन की डुबकी है, ये भिंडी के साथ बनती है और दही के साथ। तो कैसे बनती है आप ज़रूर देखिए। तो तेल डालकर मैं मिला ली हूँ, और उसी कटोरी में थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच पानी डाल दी हूँ, और उसमें जो चुटकी भर नमक, चुटकी भर ही डालना है क्योंकि सब्ज़ी में हम नमक डालेंगे ही, और धनिया पत्ती, थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च अच्छी तरीके से मिला लेना है। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जिस तरह हम पकौड़े के लिए घोल तैयार करते हैं वैसे ही करना है, वैसे ही बनाना है। इसको पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि डुबकी जैसे ही इसको बनाना है, जिस तरह हम डुबकी को बनाते हैं उड़द दाल की कढ़ी के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये भिंडी कढ़ी के लिए इसको बनाना है। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आधे अधूरे देख के चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये आधा कटोरी से अधिक, एक कटोरी भरपूर ये दही है, खट्टी दही है ताज़ा, इसको इस तरह से मत लेना है, क्योंकि एक पाव ही भिंडी थी, मैं उसी अकॉर्डिंग ये दही रखी हूँ। आप अधिक भी कर सकते, खट्टा खाना आपके ऊपर है, आप जिस तरह से खाते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से मथानी से मथ ली हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी मथ सकते हैं। और इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालना है, क्योंकि खाली दही का ही सब्ज़ी बनाने से सब्ज़ी फट जाती, इसलिए थोड़ी सी पानी ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो दही फटती है गरम में डालने से। तो इस तरह से हमको मथ लेना है ताकि एक भी लम्स दही में ना रहे। और अगर दही की ही सब्ज़ी बनाना चाहते हैं भिंडी दही की, तो गरम में ना डालें, ठंडी हो जाए फिर दही को डालना चाहिए, तब नहीं फटती। इस तरह से हम मथ लेंगे ताकि एक भी लम्स ना रहे। तो पूरे प्रोसेस के साथ आपको दिखा रहे हैं। अभी हम शादी में बहुत बिजी थे तो रेसिपी नहीं डाल पाए थे, उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। देखिए इतना ही रखना है, अगर और भी दही खट्टी खाना है तो आप और भी अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। एक पाव भिंडी के लिए 1 पाव के करीब दही है ये, और उसमें
एक मीडियम साइज गिलास में पानी डाली हूँ मैं, लगभग कटोरी में दो कटोरी और गिलास में एक गिलास। दो चम्मच तेल राई, गरम तेल होने के बाद जब राई सड़क जाए तो थोड़ी सी मेथी दाना और ये हरी मिर्च जो बीच से कट कर ली हूँ, और ये मेथी की भाजी है थोड़ी सी, ये सबको थोड़े से चम्मच चला दूँगी। जलाना नहीं है, आँच एकदम मध्यम रखना है, लो। अब ये भिंडी एक पाव है जिसको साफ धोकर पोछ कर मैं काट ली हूँ। अब इसे 5 से 7 मिनट एकदम मीडियम आँच में चम्मच चलाते हुए भून लेना है ताकि भिंडी में कच्चापन ना रहे। अब भिंडी अच्छे से भून जाना चाहिए जिसमें भिंडी का कच्चापन चला जाए, और भिंडी जलनी भी नहीं चाहिए। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए 5 से 7 मिनट में ये भिंडी अच्छी तरह से भून जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा भिंडी का। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, गर्मी के दिनों में कढ़ी भिंडी डुबकी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में। ये जो बेसन की डुबकी होती है वो भिंडी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। तो हम क्या क्या सामग्री लगती है उसको तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। एक पाव भिंडी है, 2 से 3 हरी मिर्च है, 1 पाव दही है, 1/2 कटोरी बेसन है, हल्दी, नमक, मिर्च, नमक आप स्वादानुसार डालिए। देखिए हमारी भिंडी का कलर चेंज हो चुका है और भिंडी अच्छे तरीके से भून चुकी है और एक भी कढ़ाई में नहीं चिपकी है, क्योंकि हम एकदम मीडियम आँच में ही इसको भूनते रहे और चम्मच चलाते रहे। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको पसंद आई कि नहीं आप ज़रूर बताइए। अगर पसंद नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी को सब्ज़ी बनाने का अपना तरीका होता है। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुकी है, इसका कच्चापन चला गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में खाली कर दूंगी, जितनी भी भिंडी है उसको। तो इस तरह से ये पूरी भिंडी मैं इस प्लेट में डाल दूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो हमारी भिंडी अच्छी तरीके से तेल के साथ फ्राई हो चुकी है, भून चुकी है। अब 1 चम्मच से भी कम मैं तेल डाली हूँ और एक छोटा साइज का टमाटर काट के डाल रही हूँ। इसके पीछे कारण है कि ये सब्ज़ी के स्वाद को बढ़ाते हैं और सब्ज़ी का कलर भी आता है। इस तरह से थोड़ी सी भून लेना है टमाटर को। देखिए 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से भून भी गए। अब इसमें मैं जो भिंडी प्लेट में डाली थी उसको इसी में डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोग इस तरह से भिंडी बना के खाते हैं कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो खाते ही हैं, अगर आप दूसरे प्रांत से हैं तो खाते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब या 1 चम्मच ही पानी डालना है ताकि ये भाप से टमाटर और भिंडी एक साथ हो जाए। थोड़ी सी ही पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। देखिए ये मिक्स हो गए और ढक भी दूंगी मैं इसको, आप भी ढक दीजिएगा। अब इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक स्वादानुसार डालना है। अब इसको इस तरह से मिक्स करके थोड़ी सी और पानी डालकर 1/2 कटोरी के करीब मैं इसको ढक दूंगी ताकि नमक मिर्च सब एक सार हो जाए। तो बहुत सिंपल, बहुत स्वादिष्ट, एकदम यूनिक हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस डुबकी भिंडी कढ़ी है। आप बोल सकते हैं कि कढ़ी डुबकी भिंडी है,
ये बेसन की भिंडी, बेसन भिंडी तो भी आपको बताए हैं, ये बेसन की ढुक्की है। अब ये मथा हुआ मट्ठा है, दही है, जिसको मैं डाल रही हूँ। तो मैंने आँच वैसे भी कम कर दिया है, या आप बंद कर दें, क्योंकि इसमें पानी के साथ इस मट्ठे को मैं तैयार की हूँ दही को, तो ये फटने का चांस है नहीं। तो देखिए कलर कितना सुंदर आया है सब्जी का। तो बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी है। तो देखिए टमाटर पड़ने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, कढ़ी का कलर। देखिए आपको इसका रस भी दिखाती हूँ, ये चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है ये कढ़ी, और जो बेसन की डुबकी है वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हम पकौड़ा कढ़ी बनाते हैं बेसन के, उसको तेल में तलते हैं, ये तो बिना तेल में तले ही ये पकौड़े डुबकी कढ़ी तैयार है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें धनिया पत्ती भी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से खोल जाए, धनिया पत्ती का सुगंध भी उसमें आ जाए। तो धनिया पत्ती इस तरह से डाल देना है और मिक्स कर देना है। अब जब ये कढ़ी अच्छी तरीके से खौलने लग जाएगा, तब इसमें जो बेसन का घोल तैयार की हूँ, और उसका घोल बिल्कुल पकौड़े जैसे होना चाहिए, बिल्कुल लम्स नहीं होनी चाहिए। अब उसमें मैं ये खौलते हुए जगह में डालना है, जिस तरह से हम उड़द दाल की डुबकी को डालते हैं। तो बिना तेल के ही ये बेसन के पकौड़े हैं, डुबकी हैं, जो इस कढ़ी में डलेंगे। इस तरह से आप चम्मच से भी डाल सकते हैं खोलते हुए जगह में। अब मैं आपको हाथ से ये बेसन को जो घोल तैयार है उसकी कढ़ी में किस तरह डालना है, इस डुबकी को, बेसन डुबकी को या बेसन पकौड़े को, आपको दिखाती हूँ। इस तरह से फटाफट ये उसमें डालते जाऊँगी जिस जिस जगह में वो खौल रहा है, और चम्मच से इसको मिला दूँगी। तो आप इस तरह से बहुत सारे भी बना सकते हैं, आपको जितना पसंद है। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, एक बार ज़रूर खा के देखिए। तो कितना अच्छे से भिंडी डुबकी तैयार है, बेसन की डुबकी कढ़ी भिंडी के साथ, जो बहुत ही स्वादिष्ट हमारे छत्तीसगढ़ की ये फेमस रेसिपी है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये अभी सब्जी जो है ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाए, देखिए डुबकी बेसन वाली, और एकदम मुंह में खाते ही घुल जाएंगे, ये कड़ा नहीं रहते, क्योंकि इसका घोल ही इस तरह से मैं बनाई हूँ। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बनाइए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो देखिए सब्जी का कलर भी देखिए एकदम टेस्टी है, और धनिया पत्ती मेथी सब की खुशबू आ रही है। तो चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे रोटी में भी खा सकते हैं, पर इस तरह की कढ़ी चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारी छत्तीसगढ़ का ये फेमस भिंडी डुबकी कढ़ी है बेसन का, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी को, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो देखिए किस तरह से ये सब्जी, बस 2 मिनट इसको पकने देना है, उसके बाद हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये ठंडी होने के बाद ये सब्जी वैसे भी गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें रस होना चाहिए, कढ़ी होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और खटाई आप जिस तरह से खाना चाहते हैं, तो दही की मात्रा आप अधिक भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। अब मेरी सब्जी तैयार है, अब मैं इसमें दूसरे बर्तन में डाल दी हूँ भगोने में, अब इसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी हूँ। अब आपको इसका कढ़ी भी दिखाती हूँ, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। देखिए ये बेसन वाली डुबकी या बेसन के पकौड़े कितने अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट हैं, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है।
तो इस तरह से आप डुबकी बनाकर ज़रूर खाइए, बेसन डुबकी। आपको और दिखाती हूँ मैं, ये देखिए तो कितना सुंदर ही नहीं स्वादिष्ट भी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। बहुत हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस यूनिक रेसिपी है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आपको। ये देखिए सब्जी दिखा रही हूँ चम्मच से, देखिए पूरी कढ़ी कितना अच्छा। एक बार आपको सामान भी दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।